मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नगर निगम द्वारा पूरे इंतजाम किए गए हैं। जहां गोरखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार को बिजली के झालरों से सजाया गया है, तो वहीं पूरे क्षेत्र में रोशनी की व्यवस्था की गई है। पोलों को झालरों से सजाया गया है। इसके अलावा नगर निगम द्वारा मेला परिसर में शुद्ध पेयजल, अलाव, शौचालय सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई गई है, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि खिचड़ी चढ़ाने वाले श्रद्धालुओं के लिए नगर निगम द्वारा बेहतर इंतजाम किए गए हैं। पूरा मेला क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है, इसलिए श्रद्धालुओं से अपील है कि खिचड़ी को पॉलिथीन में लेकर ना आवें, खिचड़ी को कागज के पैकेट या कपड़े के झोले में लेकर आवें और पूरी श्रद्धा भाव से गुरु गोरखनाथ महाराज को खिचड़ी चढ़ावें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने कहा, खिचड़ी मेले में पूर्व वर्षों की भांति हम लोगों ने पूरी समय तैयारी कर ली है, व्यापक रूप से तैयारी की गई है और हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य सफाई की ओर सबसे ज़्यादा है और कोशिश ये है कि पूरे मेले परिक्षेत्र में कहीं भी किसी प्रकार की कोई गंदगी ना हो। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष पिछले वर्ष की व्यवस्था को और व्यापक किया गया है, थोड़ा उसकी संख्या हमारे कार्मिकों की बढ़ाई गई है और कोशिश ये है कि अगर कोई व्यक्ति एक कागज भी अगर वहाँ मेले क्षेत्र में फेंकता है तो उसको बिना समय खोए तत्काल हमारे कर्मचारी उसे उठा ले। कई कर्मचारियों की ड्यूटी ऐसे सॉलिड वेस्ट के पिकिंग पे लगाई गई है, ढेर सारे डस्टबिन लगाए गए हैं, लोगों को प्रेरित किया गया है कि अपना सॉलिड वेस्ट पे डस्टबिन में ही डालें। इसके अतिरिक्त वहाँ पर प्रकाश की व्यापक व्यवस्था की गई है, प्रकाश 24 घंटे रहे इसके लिए स्टैंड बाई जनरेटर भी हमारे पास है। तो जो भी व्यवस्था पिछले वर्षों में होती है आई है उससे हम दो कदम बढ़कर व्यवस्था कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बात का भी व्यापक प्रचार प्रसार किया गया है कि ये पॉलीथीन मुक्त क्षेत्र है मेला क्षेत्र और किसी भी कीमत पर आप पॉलीथीन में प्रसाद या चढ़ावा लेकर ना आए। जो खिचड़ी आप लेके आते हैं परंपरागत रूप से कोशिश ये करिए कि कागज़ के थैले में, कपड़े के थैले में लेकर आएँ। फिर भी यदि कोई लेकर आ जाता है भूलवश या उसे जानकारी नहीं होती है तो उसके पॉलीथीन को हम लोग कपड़े के बैग से बदल सकें, इसके लिए पर्याप्त संख्या में कपड़े के बैग हम लोगों ने तैयार कराए हैं। ये कपड़े के झूले लोगों को प्रेरित भी करेंगे और एक संदेश भी देंगे कि ये पॉलीथीन मुक्त क्षेत्र है पूरा गोरखपुर शहर, हम पॉलीथीन के प्रयोग से बचें। सर, काफ़ी ठंडे का मौसम भी है और श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। जी हाँ, इसके लिए अलाव की व्यापक व्यवस्था की गई है, अपने रैन बसेरों को हम लोगों ने दुरुस्त कर दिया है, हर रैन बसेरे में गर्म पानी की व्यवस्था की गई है, तो अगर श्रद्धालु चाहें तो रैन बसेरे के भी सदुपयोग कर सकते हैं, उनको वहाँ पूरी सुविधा मिलेगी। मेला क्षेत्र में अलाव की व्यवस्था की गई है, अलाव को जलाने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि अलाव भी जले और उससे गंदगी भी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस अलाव की गर्मी को का आनंद ले सकें, उससे उनको राहत मिले। इसके लिए अलाव को एक लोहे के स्ट्रक्चर के अंदर इस बार जलाया जा रहा है, आप मेला क्षेत्र में भ्रमण करके देख सकते हैं। तो इसके अलावा श्रद्धालुओं के जूता चप्पल या जो पैर के इनके फुटवियर हैं उनकी सुरक्षा और उनके रखरखाव, बेहतर रखरखाव के लिए 4 कैंप लगा रहे हैं, उसमें हम लोगों ने कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई है और लोगों को ये प्रेरित किया जा रहा है कि आप जब वे दर्शन के लिए जाएं तो अपने जूते चप्पल यहाँ पर कैंप में रखें ताकि उनकी भली बात सुरक्षा हो सके। और श्रद्धालु श्रद्धा और भक्ति के साथ आता है तो एक आनंद भरा अनुभव लेकर यहाँ से जाए, किसी प्रकार का कोई कड़वाहट न हो उस अनुभव में, इसकी पूरी तैयारी नगर निगम कर रहा है और उम्मीद है कि श्रद्धालुओं के सुविधा के लिए हम लोग सहायक सिद्ध होंगे। सर, एक और आता है बात स्नान गृह और शौचालय का, जी उसके लिए क्या व्यवस्था की? देखिए, परमानेंट स्ट्रक्चर के शौचालय पर्याप्त संख्या में मंदिर बन चुके हैं, फिर भी ये आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि कुछ टेम्पोरेरी यूरिनल होने चाहिए, वो भी बनाए गए हैं और पानी की सुविधा के लिए टैंकर्स लगाए गए हैं, पेयजल की कोई असुविधा नहीं होगी। जहाँ पर हमारे परमानेंट स्ट्रक्चर शौचालय के बने हैं वहाँ परमानेंट स्नानघर भी बने हैं, तो कोई श्रद्धालु यदि स्नानघर का उपयोग करना चाहता है तो वहाँ कर सकता है। तो बीते कुछ वर्षों में और इस वर्ष भी धीरे धीरे शौचालयों की संख्या में वृद्धि हो रही है और श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त संख्या में प्रसाधन मौजूद है, ये मैं कह सकता हूँ। संत में उस श्रद्धालुओं से क्या कहेंगे जो गोरखनाथ मंदिर में आके खिचड़ी चढ़ाना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा कि ये परंपरागत बहुत दिन से
ये उत्सव, ये समारोह, ये मेला होता चला आ रहा है, तो इस मेले में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप श्रद्धा और भक्ति के साथ आते हैं और श्रद्धा भक्ति सीधे तौर पर स्वच्छता से जुड़ी हुई है। जब आप कहीं पूजा के लिए जाते हैं, मन में श्रद्धा आती है, तो आप एक स्वच्छ वातावरण चाहते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक स्वच्छ वातावरण दिया जा सके, लेकिन इसमें आपकी भी महती भूमिका है। आप स्वच्छता रखें, पॉलिथीन का उपयोग न करें, ताकि आपका ही मन आनंदित हो, ये शहर सुंदर लगे और मेले में आप पूरी तरीके से आनंद ले सकें, एक अच्छा अनुभव लेकर जाए। तो मेरी अपील मात्र इतनी है कि आसपास अपने स्वच्छता रखें, पॉलिथीन का उपयोग न करें और मेले का आनंद उठाएं।